चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। हमें सम में बोला गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है, तो आपको कोई और मेथड यूज नहीं करनी है। जब बोल देता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो कंपलसरी आपको फैक्टराइजेशन से ही करना पड़ेगा। अब बच्चा बात आई इसको सॉल्व करने का तरीका, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हर एक मेथड में कुछ ना कुछ ये टफ होगा, कुछ अलग लॉजिक से होगा, तो ऑब्वियसली इसमें कैलकुलेशन पार्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा तो पढ़ते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया है कि आपको फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये सम सॉल्व करने की छोटी सी ट्रिक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप ध्यान से देखोगे तो सम भी कैसा दिया है, x माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 25 अपॉन 24 स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर इसको हम क्या करेंगे, तो पहले जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ x को x के साथ मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, x को 5 मतलब 6 के साथ मल्टीप्लाई तो 6x, 5 के साथ करोगे तो 5x, और ये 5 और यहाँ 6 से करोगे तो आप बोलोगे सर 30 आ जाएगा, ये 25 और ये 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 आएगा। तो ये हमारा पहला स्टेप तो क्लियर। अब बच्चा नॉर्मल हम क्या करते हैं, तो पहले ये क्लियर करते हैं। तो पहले ये वाले स्टेप में आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 11x, 7x मतलब 6x प्लस 5 तो ये 11x, यहाँ पे प्लस 3 एज इट इज सर ने लिखा और ये कांस्टेंट टर्म है तो 25 अपॉन 576 इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चा ये दोनों का पहले तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को c के फॉर्म में ला देते हैं तो ये वाला हमारा काम हो जाए। तो बच्चा आप बोलोगे सर एलसीएम लेना पड़ेगा कितना, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 11x, यहाँ पे लिखेंगे प्लस और ये 576 हमें एलसीएम लेना पड़ा। और यहाँ पे आप बोलोगे सर 576 इंटू 3 कर देते हैं, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 6 3 18, यहाँ पे है 21 उसमें एक ऐड हो जाएगा तो 2, आप बोलोगे सर 21 होगा और यहाँ पे 22 हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे 5 3 15 15 में 2 ऐड हो जाएगा तो 17 17280, क्योंकि एक जीरो तो बढ़ाना था हमें, 30 के साथ मल्टीप्लाई करना था। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ -25 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आप बोलोगे सर इसमें से 25 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आप बोलोगे 7, तो ये 172, यहाँ पे 5 और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये भी 5, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस यहाँ पे आप बोलोगे 17255 डिवाइड बाय 576। अब बच्चा ये इतना लंबा कैलकुलेशन है, ध्यान से देखो ये ऑलरेडी यहाँ 11 है, यहाँ 576 है। नॉर्मल छोटी सी टर्म होती तो हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देते, समझ में आ रहा है, एलसीएम लेके सॉल्व करते। लेकिन यहाँ पे हम क्यों नहीं करेंगे वो समझो पहले। तो यहाँ पहले क्या होता है, एलसीएम लेंगे तो ये इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट 576। आप बोलोगे सर हमें एक्स स्क्वायर इंटू सी करना होता है, एक्स स्क्वायर इंटू सी, तो आप बोलोगे सर ये करना होता है। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये वैल्यू कितनी बड़ी हो जाएगी, सपोज हम एलसीएम लेते हैं, क्या बोल रहा हूँ बच्चा, एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 576 इंटू ये 17255 मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर निकालना है, जो बहुत डिफिकल्ट है बच्चा। तो इसको सॉल्व तो करना ही है, तो पहला स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से समझना है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चा ये वाली अमाउंट को हम क्या करेंगे, जो मिडल टर्म जिसको स्प्लिट करना है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। और इसको कैसे करना है पहले स्टेप देखो, यहाँ पे ये टर्म को मैंने क्या लिखा, तो आप बोलोगे सर 17255 एज इट इज लिखा और नीचे जो है उसको मैंने लिख दिया 24 इंटू 24। अब बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, 176 का जो उन्होंने जो दिया था वही हमारी हिंट के तौर पर हमने यूज किया। अब जो ये स्टेप है ये मास्टर स्टेप है। अब बोलोगे सर ये क्यों, तो क्योंकि यहाँ पे हम 11 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 264। तो यहाँ पे हमने लिखा
तो बच्चा 264, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 264 लिखा x और अपॉन में भी 24, मैंने 11x को मल्टीप्लाई किया 24 न्यूमरेटर के साथ, सेम वे डिवाइडर किया मैंने 24 के साथ। अब बच्चा जो स्प्लिट करना है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको 27,255 को आपको डिवाइड करना है कि जिसका आंसर 264 आए। समझ में आ रहा है बच्चा? तो अब सबसे पहला स्टेप हम इसके फैक्टर निकालने शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 17,255, तो यहाँ पे ये तो क्लियर, पहले तो ये होगा 1 + 7, तो आप बोलोगे सर 8 से टोटल करोगे तो उसमें 10, उसके बाद आप बोलोगे सर 15, 20, तो ये 3 से तो डिविजिबल है नहीं, सीधा जाएगा 5 से। तो 5 से करते बच्चा, तो यहाँ पे हमने लिखा 17255, 5 से करोगे तो 5 3 15, ये 2 आप बोलोगे 2 आ जाएगा, बाद में 22, तो आप बोलोगे 4 से करो तो 20 आ जाएगा, तो ये 2 और ये 5, ये 5 से होगा और बाद में बोलोगे तो 1 से होगा, तो 1 3 4 5 1। अब बच्चा ये जो पॉइंट है ये लास्ट में 1 आ रहा है, तो 9 होना चाहिए, तो 9 होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आपको वो जो ध्यान में रखना है, टोटल करोगे तो फिर से वही होगा 3 + 1, तो आप बोलोगे सर आ जाएगा 4 4 + 4 8 8, में आप बोलोगे सर 5 ऐड करोगे तो ये, तो बच्चा ये लास्ट में 1 है तो हम डिवाइड कर सकते हैं 9 से, 19 से या 29 से। तो ऑब्वियसली बच्चा ये जो जाएगा वो थोड़ी अमाउंट बड़ी है तो 29 से ही होगा, तो 29 और यहाँ पे आप बोलोगे 3451। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो बच्चा यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 29 1 29, तो ये आ जाएगा 55। अब बच्चा आप बोलोगे सर 29 × 3 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 87। ये तो 3 से तो होगा नहीं, आप बोलोगे सर 2 से भी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो 58 होता है 2 जा, तो सीधा 1, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 29 आ जाएगा 1 जा, तो यहाँ पे करोगे तो 14, यहाँ पे होगा आप बोलोगे 4, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हमें पता है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, हमें पता है 29 × 9 से ही होगा तो 81, तब भी मतलब 1 आएगा, तो यहाँ पे 8 लिया। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना 26, तो ये 9 से हो जाएगा, तो 119, और ये कितने से हुआ 29, फैक्टर आ गए हमारे। आप बोलोगे सर यहाँ पे फैक्टर क्या आ गए 29 और ये 111, ये प्राइम नंबर है तो वो तो कुछ होगा नहीं सॉल्व। तो अब बच्चा सिंपल है, हमारा ये दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो ये 264 आना ही चाहिए, तो 29 × 5 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 45, तो मतलब यहाँ 5 यहाँ 4, तो ये 145, तो 145 और लाना कितना है 264 प्लस 119, ये 119 जो है वो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 + 5, तो आप बोलोगे सर ये 4 मतलब 1 आएगा, तो यहाँ पे 4 और ये 5 हो जाएगा, ये 6 और ये हो जाएगा 2, तो 264। बच्चा अब लिखना कैसे, हमारे पास फैक्टर तो रेडी हो गए, तो यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। यहाँ से ध्यान से समझना बच्चा, ये एक्स स्क्वायर, ये 264 की जगह हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर इसमें दो पार्ट पड़ेंगे, पहला है 145x अपॉन 24, यहाँ पे माइनस फिर से होगा, तो यहाँ पे 119x अपॉन 24, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस ये 17 के जो फैक्टर हम कर देंगे वो तो चलो कॉमन निकाल देंगे 55 और ये 24 × 24। अब बोलोगे सर ये जो था एज इट इज लिखा 145x अपॉन 24 और 24 लिखा 119x लिखा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, तो x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे 145 अपॉन 24 पहला स्टेप, यहाँ से कॉमन निकालो तो आप बोलोगे सर देखो 119 तो कॉमन निकलेगा ही अपॉन 24, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे बचेगा x, ये माइनस है तो साइन भी माइनस की हो जाएगी, एक 24 निकल गया तो यहाँ पे 24 आएगा,
और यहाँ पे आप बोलोगे सर 119 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा कितना बच्चा 145। ये हमें पता है 5 × 29 145 मल्टीप्लाई भी चेक कर लिया है तो वो किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। तो ये आ गया 145। अब जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा इज इक्वल टू जीरो हमने लिखा ही नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूएशन में ही था। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए तो हमारे आ गए x माइनस 145 अपॉन 24 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 119 अपॉन 24 इज इक्वल टू जीरो। तो अब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे x माइनस 145 अपॉन 24 इज इक्वल टू जीरो, x माइनस 119 अपॉन 24 इज इक्वल टू जीरो। बच्चा ये दोनों को एक साइड ले जाना है तो यहाँ पे 145 अपॉन 24 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 119 अपॉन 24, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब बच्चा प्रॉपर पहले देख लो पूरा सम आ रहा है बस आ रहा है चलो। तो ये सम का जो फैक्टर है यही निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि बड़ी अमाउंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से करोगे नंबर थोड़े कैलकुलेशन में ध्यान में रखोगे डिवीजन सब कुछ थोड़ा टफ तो है ही। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे जो ये लगता है ना, कोई पूछे तो ये वाला स्टेप समझना बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो, 3 से 4 बार तब जाके आपको ये लॉजिक और एक एक पॉइंट क्लियर होगा। एक बार में आपको क्लियर हो सके वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस जितनी होगी तब, क्योंकि इसके सम ही नहीं है बहुत, ये ऐसे सम जितने आप करोगे लेकिन एक लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।